रणबीर को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी दीपिका पादुकोण। हाल ही की खबरों में कहा गया कि दीपिका पादुकोण ने पीकू की सफलता पार्टी रणबीर कपूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए दी थी। पीकू के एक सप्ताह बाद रणबीर कपूर की बॉम्बे वेलवेट रिलीज हुई थी, जो बुरी तरह असफल रही। वहीं दीपिका की फिल्म सफल रही, लिहाजा दीपिका ने अपनी सफलता और रणबीर की असफलता का जश्न साथ में मना लिया। दीपिका ने इन सभी अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि वे रणबीर को चोट पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये पार्टी बहुत ही जल्दबाजी में हुई और बॉम्बे वेलवेट की पूरी टीम को उन्होंने बुलाया था और वे आए भी थे। दीपिका ने कहा, सिर्फ विक्रमादित्य मोटवानी कान में थे, मैंने रणबीर और कैटरीना को भी बुलाया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे क्यों नहीं आए। मैं रणबीर को कभी दुखी नहीं कर सकती। तमाशा की शूटिंग के दौरान रणबीर ने मुझे बॉम्बे वेलवेट और उसके किरदार के बारे में बताया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि यह किरदार निभाने में बेहद कठिन है। मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन यह मेरे दोस्त की फिल्म है और उसके दर्द को मैं समझ सकती हूँ। दीपिका और रणबीर की जोड़ी एक बार फिर से इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में नजर आएगी।